नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। चिकित्सा पत्रकार की तरफ से आज एक नया चुनौती, एक नई जानकारी आपके बीच देने जा रहे हैं। आप सब लोग इस पेड़ को जानते होंगे, सुंदर सा फूल, सुंदर सा पेड़ जिसमें फूल और कांटे एक जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं रोज, गुलाब, सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा फल, एक ऐसा सब्जी है, पता नहीं क्या है, मैं भी उसका नाम नहीं जानता हूं। मुझे मिला है सरैया प्रखंड के एक गांव में किसी किसान के दरवाजे पर एक पेड़ से। आप पता कीजिए ये कौन सा फल है, ये कौन सा सब्जी है, इसका क्या औषधीय महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। जो सही सही जवाब देंगे उनको मिलेगा 151 रुपए का नगद पुरस्कार। तो इस वीडियो को देखेंगे अंत तक और अपने जानकारी को साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना पेटीएम नंबर के साथ। जो सही जानकारी देंगे उनको मिलेंगे 151 रुपया। मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा की तरफ से हम उपस्थित हैं MBRI मुजफ्फरपुर बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बटोलिया के प्रांगण में। रोशन जी, उस फल को लेकर के आप आइए। और हमारे साथ हैं अश्नि कुमार जी जो CEO हैं MBRI के, और रवि रोशन जी जो अकाउंटेंट हैं MBRI के। ये अविनाश कुमार जी संस्थापक हैं इस संस्थान के। रोशन जी के द्वारा ये फल लाया गया है। ये फल देखिए जिसमें स्टॉक लगा हुआ है, पूरा गोल है, दिखने से प्रथम दृष्टिया तो लगता है बेल का फल है, लेकिन बेल है नहीं, और गोल गोल लौकी भी हो सकता है। आप इसको पता करिए इसका क्या बोटेनिकल नाम है। बड़ा हार्ड इसका सेल है। देखिए, चाकू लाइए, देखते हैं इसका क्या उपयोग हो सकता है। देखिए कितना हार्ड इसका सेल है, ये कटता नहीं है, ये कट नहीं रहा है, बेल भी नहीं है, तो है क्या आखिर, पता कीजिए। हम मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी के साथ। मुजफ्फरपुर बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका खोज जारी है, और फिर हम ज्यादा जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।